एक दिन की बात है, भगवान अपनी माँ की साड़ी पकड़कर बोले, माँ मुझे दूध पिला दो। मैया बोली, तेरे लिए दही मंथन कर रही हूँ। एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एक बार मैया दही मंथन कर रही थी कि भगवान ने साड़ी पकड़ के कहा, माँ आप मुझे अपना दूध पिलाओ। मैया बोली, तेरे लिए मक्खन निकाल रही हूँ, तू मक्खन खाना, दूध नहीं पी। मैया मुझे दूध पीना है। मथानी पकड़ ली मैया के सामने, मैया ने दूध पिलाया। अभी मैया दूध पिला ही रही थी कि चूल्हे पर चढ़ा दूध उफनने लगा। तब मैया कन्हैया को छोड़कर दूध उतारने चली। भगवान ने कहा, मैया तूने मुझे छोड़ दिया। सारी मटकियां तोड़ना शुरू कर दी भगवान ने कि तुमने मेरे लिए मुझे छोड़कर दूध उतारने गई। मैया की ज्यादा आसक्ति दूध दही से है। सारा मटका तोड़ दिया, सारे दूध दही के पात्र तोड़ डाले भगवान ने। अब मैया ने देखा कि कन्हैया बिगड़ गया है। अब मैया लाठी लेकर दौड़ी, कन्हैया आज तूने मेरे घर की सारी मटकियां तोड़ी, आज तुझे छोड़ूंगी ना। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे मैया। जरा बताओ, जो भगवान तीन पग भूमि में दुनिया नाप लेते हैं, क्या वो भगवान भागेंगे तो कोई पकड़ सकता है? पर मैया पकड़ने दौड़ रही है। अच्छा, भगवान को कोई पकड़ तो नहीं सकता, पर पकड़ने की जिद करके कोई दौड़ेगा तो भगवान स्वयं कृपा करके कभी न कभी पकड़ में जरूर आ जाएंगे। और मैया ने कन्हैया को पकड़ लिया, और जब पकड़ा तो भगवान श्री कृष्ण को मैया ने उखल से बांधा। कितने अंगुल रस्सी कम पड़ गई? जब भगवान को मैया ने बांधा उखल से तो कितने अंगुल रस्सी कम पड़ी? दो। दो अंगुल रस्सी का मतलब है अहमता और ममता। भगवान को वो लोग कभी नहीं बांध सकते, भगवान को वो लोग कभी नहीं पकड़ सकते जो अभिमानी है। इसलिए जीवन में कभी अभिमान नहीं होना चाहिए। क्यों मेरी माँ? आप में से किस किस को घमंड है, अभिमान है, एटीट्यूड है? है? अभिमान ना करना मेरी माँ। अभिमान रावण जैसों का नहीं चला, हमारा और आपका चलेगा? भगवान को अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं। कभी मत करना। आजकल लोग ना जरा सा पैसा मिल जाए तो ऐसे ऐसे चलते हैं, गाड़ी बंगला पैसे का घमंड। अरे ना करना साहब ये घमंड, किसी का ना चला तुम्हारा क्या चलेगा? ये बताओ, जब आम के पेड़ में आम का फल लगता है तो आम की डालियां अकड़ जाती हैं या झुक जाती हैं? जोर से, फलदार वृक्ष हमेशा झुकता है। ईश्वर तुम्हें जितना धन धान्य दे, जितना तुम्हें समर्थवान बनाए, उतने झुकते चले जाओ, सरल और सहज होते चले जाओ। अकड़ किस बात की? लेकिन आज का व्यक्ति जरा सा पैसा पद पाकर अकड़ जाता है। अकड़ो मत, झुकना सीखो, अभिमान मत करो। अच्छा, आप लोग अभिमान करते हैं कि नहीं? अच्छा, आसनसोल में लोग अभिमान करते हैं कि नहीं? गाड़ी का, बंगला का, घर का? बोलो हाँ। ओ मैया मेरी बहन, मैया चला लो मोबाइल, चला लो, दिन भर व्हाट्सएप, दिन भर फेसबुक। सुनो, अभिमान करते हैं आप लोगों को? अभिमान है आप में से कितने लोगों को? अभिमान है जरा बताओ। यदि हो तो मैं अभी खत्म कर सकता हूं आपका अभिमान। है? मेरी मां, जब आपको कभी अभिमान आए तो आप शमशान जरूर जाया करो। आप में से कितने लोग शमशान जाते हैं?
शमशान जरूर जाया करो और शमशान में जलती हुई चिताओं को देखा करो। आप लोग देखते हैं कि नहीं? शमशान जाया करो और जलती हुई चिताओं को देखा करो। क्यों? क्योंकि चिता में जलने वाला व्यक्ति जब तक जिंदा था कहता था, मुझे जानते नहीं हो, मुझे पहचानते नहीं हो। लो भैया, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाला, बड़े बड़े बंगलों में रहने वाला आज घास की तरह जलकर राख हो गया। कहां गया तेरा घमंड? कहां गई तेरी गाड़ियां, बंगले? कहां गया तेरा अभिमान? जल गया? जैसे आज वो जला है, ऐसे कल, ऐसे एक दिन हम और आप चिताओं पर जल रहे होंगे। एक दिन हमारी भी चिता सजेगी साहब। हाँ, एक दिन। अच्छा बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो एक दिन मर जाएंगे? अच्छा, सब सही। हाँ, घमंड किसका है? घमंड किसका है? एक दिन आपकी सिर्फ राख बचेगी। राख, राख समझते हैं? क्या बचेगी? ओनली राख। और 50 रुपए के घड़े में आपकी सारी राख आ जाएगी। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं, फूल जा रहे हैं। आपका 70 किलो का शरीर, 80 किलो का शरीर, करोड़ों की संपत्ति के मालिक एक दिन 50 रुपए के घड़े में आ जाएंगे। 1 करोड़ की गाड़ी में चलने वाला आदमी 50 रुपए के घड़े में आ जाएगा। ये बात सही है कि गलत है? अब बताओ, घमंड किसका? 2023 चल रहा है, 2099 आते आते हम सब लोग राख बन चुके होंगे, लगभग हम में से अधिक लोग। बोलो हाँ। अब बताओ मेरी माँ, मुझे जानते नहीं हो, मुझे पहचानते नहीं हो? तुम्हारे जैसे कितने लोग हवा में उड़ रहे हैं राख बनकर। हम तो कहते हैं एक घड़ा खरीद के अपने द्वार पर टांग लो और आते जाते देखा करो कि एक दिन हमारी राख इसमें आएगी। अब घमंड किसका करें? इसलिए ईश्वर ने जो दिया है उसका सदुपयोग करो। और मैं मालिक नहीं हूं, मेरी संपत्ति नहीं है, सब कुछ गोविंद का दिया है, ये भाव रखोगे तो अभिमान नहीं आएगा। मैं अपने आप को कर्ता मान लेता है व्यक्ति, मैं हूं। मैं क्या हूं? कुछ नहीं। बताओ आप क्या हैं और कितने दिन के लिए हैं? ये आपकी शान, ये आपकी शोहरत कितने दिन की है जरा बताओ। बोलो मेरी मां, कह देना उन घमंड करने वाले लोगों से कि राख बन जाओगे एक दिन। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं, तुम्हारे जैसे करोड़ों दफन हो गए, करोड़ों की चिताएं जल चुकी हैं, तुम ना जाने किस बात का घमंड लिए घूम रहे हो। सादगी से रहो साहब, ईश्वर ने तुम्हें दिया है तो सरल हो जाओ, नम्र हो जाओ, ईश्वर का धन्यवाद करो, प्रभु आपकी कृपा है ये, और जो दिया है तो दोनों हाथ से परोपकार करने लग जाओ, दान पुण्य करने लग जाओ। ईश्वर ने धन दिया है, धर्म से जोड़ने लग जाओ, अभिमान ना करो।